Assalamualaikum. थिएटर में आपका खुश आमदीद। मेरा नाम अब्दुल रहमान। मेरा नाम हमीम। मेरा नाम मोहम्मद हफीज। जैसे कि आप जानते हैं जो करते हैं हर मोमेंट कैप्चर उन्हें कहते हैं थ्री एच एक्टर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आप लोग जानते होंगे कि राजकुमार राव ने पिछले मतलब कि काफी टाइम कम अरसे में अपना बहुत नाम कमाया है। yes. बहुत नाम बना लिया है। एंड उनकी फेमस हॉरर कॉमेडी मूवी थी स्ट्रीट। तो उस तरह की ही एक नई मूवी आई है रूही। आगाज उनका वहां से हुआ था और अब हिट ये फिल्म ज्यादा जा रही है। इसके बाद मैंने देखा काफी उन्होंने वेब सीरीज भी की। हां वेब सीरीज में काफी नाम कमाया। लूडो फिल्म में भी आए हैं। वो वेब सीरीज में नहीं आए ये वो दूसरा नहीं मूवीज में आए हैं ज्यादातर। शायद बहुत कम लोगों को पता लेकिन नेटफ्लिक्स पे मूवी की थी। हां वो प्रियंका चोपड़ा के साथ एक आई थी। एक आई है वो दूसरी मूवी द व्हाइट टाइगर का नाम उसके है व्हाइट टाइगर उसके और उसके साथ लूडो उसके ये नेटफ्लिक्स पे मूवी। लूडो में भी एक नया ही रोल था। और उसके बाद उनकी आई है हंसल मेहता के साथ। हंसल मेहता के साथ छलांग आई है उसपे। एंड अब आई है उसकी रूही और साथ उनके फुकरा वरुण भी है। मतलब के आप जानते होंगे जो फुकरा पंथी में आया और उसके साथ जुहानवी कपूर है जो मतलब कैसी श्रीदेवी की बेटी है। और ये मधुक फिल्म्स वालों की तरफ से ट्रेलर आया 734 के सब्सक्राइबर्स हैं। हां जी और इस पे 17 मिलियन व्यूज हो चुके हैं ट्रेलर पे वन डे में। क्योंकि अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। हां यही पता चल रहा है कि जैसे ट्रेलर आया लोगों ने भड़क। और ये भी कहा जाता है कि ये भी एक स्ट्रगलर है। शुरू करते हैं हॉरर कॉमेडी है देखने के लिए। हम भी है स्पीड देखी थी वो बड़ी मदद थी। अभी भी देखते हैं कैसी आएगी। जिसने जल्द सब्सक्राइब करेगा लाइक शेयर कीजिएगा। ये सबको पता है सिनेमा बहुत खुशी की बात है। जियो स्टूडियो जियो ने स्टूडियो निकाली वो मुकेश अंबानी। हाँ जी हमारे बच्चे अच्छा था।
लेकिन ये ज्यादा ड्रोनी कर दी है थोड़ा सा एक्टर भी ऐसा ही डाला है जो साथ क्या नाम था उसका वो मतलब के काफी चेक करते हैं वो उसको फनी फनी रोल है फुकरा के दोनों पार्ट में भी और उसमें भी इसके दिलवाले में भी आया हुआ साइड पे साइड ही हुआ था और राजकुमार की क्या बात है वो हर कैरेक्टर में कितना मुश्किल है तोतला बोलना है पूरी मूवी के अंदर और उसने एक्शन डेफ आया जैसे वो है ही तोतला पूरा डायलॉग उसने पूरा उस तरीके से बोला है 11th मार्च को आ रही है सो सबको वेट होगा सिनेमा ओपन होने वाले हैं और मतलब जो भी मूवी आने वाली है सबको पता है कि वो बजट अच्छा ही बट ये मूवी बहुत अच्छी थी और काफी उन्होंने हॉरर सेटअप भी लगाया हुआ था एक सेटअप और एक लैदा उन्होंने जंगलात में शूट किया है ऐसे पेंडेमिक के दौरान मतलब पीछे कोविड के दौरान इन्होंने शूट किया है इसको इतना बड़ी पास होती है हॉरर मूवी को शूट करना एंड मतलब कि और उसने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है जानवी ने यार अच्छा रोल किया है उसने बाकी तो देख के लगेगा मूवी पूरी देखेंगे हॉरर काम करना भी आसान थोड़ी काम है बहुत मुश्किल होता है बार बार मेकअप करवाना उस तरह का उसके एक्सप्रेशन भी देना उस तरह एक्सप्रेशन देना ऊपर से फेस का आपका एकदम तो मुंह बदल जाता है ये तो एडिटिंग पे सारा डिपेंड होता है बट ये है कि उसको एक शेप भी देना बहुत बड़ी बात होती है बाकी साहब मूवी का ट्रेलर बहुत मजेदार था हॉरर कॉमेडी थी जैसे हॉरर कॉमेडी बिल्कुल हॉरर नहीं थी ना बिल्कुल कॉमेडी थी हॉरर कॉमेडी थी ऐसे आनी चाहिए ऐसे इंटरटेनिंग फिल्में आनी चाहिए सो आज का ट्रेलर करते हैं खत्म रिएक्शन करते हैं जिसको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जैसे सब्सक्राइब करिएगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा